सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। आपको मैम ने क्या बताया है कि हम जब भी बाहर जाएंगे तो मास्क पहन के जाएंगे, सैनिटाइजर बराबर इस्तेमाल करते रहेंगे और दूसरों से दूरी बना के रखेंगे। चमचम करता सूरज, टिमटिम करता तारा, शहवार मैम लेके आई जादू का पिटारा। खुल जा सिम सिम, जोर से बोलो जैसे कोई नारा। आपको पता है जादू का पिटारा कैसे खुलता है? ये खुलता है मंत्र पढ़ने से। और कौन सा मंत्र हमें पढ़ना है? खुल जा सिम सिम। देखे तो पिटारे के अंदर क्या रखा है? क्या है ये? कमल, खरबूजा, गाय, अरे वाह, गाजर, खटमल। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि इन शब्दों की पहली ध्वनि क्या है और वो किस व्यंजन से शुरू होते हैं? चलिए देखते हैं। खटमल की पहली ध्वनि क्या है? ख। और गाजर की पहली ध्वनि क्या है? ग। गाय की पहली ध्वनि क्या है? ग। खरबूजे की पहली ध्वनि क्या है? ख। ऐसे ही खरगोश की भी पहली ध्वनि ख है। कबूतर की पहली ध्वनि क्या है? क। और का से कमल। और क्या क्या है जादू के पिटारे में? घड़ी, घड़ा, घर। अब इन सारे चित्रों को चलिए इनकी पहली ध्वनि से मिलाते हैं। बच्चों, पिटारे से निकले हैं क वर्ग के व्यंजन। चलिए पहले उन्हें पंक्ति में लगाते हैं और फिर उनसे शुरू होने वाले शब्दों को उसी पंक्ति में लगाते हैं। क, क्या आता है क के बाद? ख। फिर क्या आता है? ग, घ, अंगा। क, ख, ग, घ, अंगा। अब हम चित्रों को मिलाएंगे। ये क्या है? गाजर। गाजर की पहली ध्वनि ग होती है, तो इसे ग की पंक्ति में लगा देंगे। ये क्या है? घर। घर की पहली ध्वनि घ होती है, तो उसे घ की पंक्ति में लगाएंगे। घड़ी, घड़ा, गमला, कमल, कबूतर। खरगोश की पहली ध्वनि क्या है? ख, तो इसे ख की पंक्ति में लगा देंगे। गाय, ग, कलम, क, खटमल, ख, खरबूजा, ख, और अंगा, खाली। बजाओ ताली। अब बच्चों अपनी हिंदी अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ 25 खोलेंगे और आज दिनांक भी 25 है, 25 नवंबर 2020 यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। चित्रों को देखकर उससे शुरू होने वाले व्यंजन पर गोला बनाएंगे। पहले हम चित्र देखेंगे। किस चीज का चित्र है ये? गुलाब। तो अब गुलाब की पहली ध्वनि क्या है? ये है, ये है, या ये है?
अब आप बताइए इसकी पहली ध्वनि क्या है और किस व्यंजन से वो ध्वनि आती है। उस व्यंजन के चारों तरफ गोला बनाएंगे। इसी तरह से बाकी सारे चित्रों को भी देखकर उसकी पहली ध्वनि पहचानेंगे और उसके अनुसार व्यंजन के चारों तरफ गोला बनाएंगे।